हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक तो शादी पार्टियों का सीज़न ऊपर से आ गया, सर्दियाँ, हर कोई खांसी से परेशान हो जाता है। कितनी भी आप अंग्रेजी दवाइयाँ ले लो, कई बार होता है कि आपकी खांसी ठीक ही नहीं होती है बिल्कुल भी। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होम रेमेडी, जिसे कि आप बिल्कुल आसानी से 5 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इससे आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी है तो तुरंत आपकी खांसी गायब हो जाएगी। किस तरह से आपको इसे बनाना है, कितना आपको इसे लेना है और किस टाइम पर आपको इसे लेना चाहिए, तो सभी बातें मैंने वीडियो के अंदर डिटेल में बताई हुई है। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को। इस दवाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा अदरक। तो मैंने यहाँ पर ये अदरक का एक फ्रेश टुकड़ा ले लिया है, जिसको मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद में आपको इसे करना होता है कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के लिए आप क्या करेंगे, जो छलनी का मोटे वाला छेद है ना, उसका इस्तेमाल ना करें, बारीक वाले छेद से आप इसको कद्दूकस कर लें। कद्दूकस नहीं कर सकते हैं तो आप इसे एकदम बारीक कूट कर भी ले सकते हो, लेकिन जितना बारीक आप इसे घिस कर या कूट कर लेंगे उतना ही अच्छी तरह से इसका जो रस है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बारीक वाले छेद से अच्छे से कद्दूकस करके ले लिया है। अब इसके बाद में आप लीजिए एक बाउल और एक आप ले लीजिए छलनी, जिसके अंदर की आप चाय वगैरह छानते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप अदरक को इस तरीके से इसके अंदर रखिए, चम्मच से दबाते हुए आप इसका जो पूरा रस है ना, उस रस को निकाल लो। जितनी भी अच्छी तरह से आप इस रस को निकाल सकते हैं तो उतनी ही अच्छी तरह से आप इसको निचोड़ कर तैयार कर लीजिए। इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह से केवल अदरक का रस ही निकाल कर आपको इकट्ठा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितना रस इससे निकाल कर इकट्ठा कर लिया है। इसके ऊपर जो ये घिसा हुआ अदरक है, तो आप इसको चाय के अंदर डालिए, दूध के अंदर डालकर उबाल लीजिए। इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ये निकला हुआ अदरक का रस है, तो इसके अंदर आपको मिलाना है शहद। यहाँ पर मैं ले रही हूँ शहद, तो शहद को आप इस तरह से 2 से 3 चम्मच डाल सकते हो, जितना आप अपने स्वाद के अनुसार डालना चाहें डाल सकते हैं, 3 से 4 चम्मच भी आराम से डाल सकते हैं। अब ये अदरक का जो रस है, इसको बड़े लोग तो ले लेंगे लेकिन बच्चे कई बार नहीं ले पाते, तो इसलिए आप बच्चों के टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें इसके अंदर शहद डाल सकते हो। इसके बाद में आपको इसके अंदर डालना है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का बना हुआ पाउडर आपके पास नहीं तो आप 8 से 10 काली मिर्च ले लीजिए, उसका पीस कर एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए, उसे आप इसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और 1/3 चम्मच मैंने इसके अंदर ये काला नमक डाला है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे क्या इसके अंदर काला नमक ही डालना ज़रूरी है। हाँ जी, आपको इसके अंदर काला नमक ही डालना है। कई बार हम लोग सेंधा नमक डाल देते हैं तो वो भी इतना ज़्यादा असर नहीं करता है जितना कि काला नमक इसके अंदर असर करता है। काले नमक से बहुत जल्दी आपकी खांसी ठीक होगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसको टेस्ट करके देख लें कि बच्चों को देना है तो बच्चे इसको ले रहे हैं आराम से, नहीं ले रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा तीखापन नज़र आ रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा शहद और थोड़ा काला नमक और डाल सकते हैं, इससे इसका जो तीखापन है वो निकल जाएगा। अगर बड़े आदमी को दे रहे हैं तो इस तरह से 1 चम्मच आप भरकर एक टाइम में उसको दे सकते हैं। छोटे बच्चे को दे रहे हैं, जैसे भाई 15 साल से छोटा बच्चा है, तो उसके लिए इस तरह से थोड़ा सा कम कर लें। 8 साल से छोटा बच्चा है तो आप इतनी मात्रा में दें, लेकिन दिन में 3 से 4 टाइम आप ज़रूर दीजिए। इस तरह से आप इसको दे सकते हो, और इसे देने के बाद में ना ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। और एक खास बात मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करने से वो जहर बन जाता है, ये बन जाता है, वो बन जाता है, भाई बहुत से कमेंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं 10 से 12 साल हो गए हैं इस दवाई को इसी तरह से अपने बच्चों को बनाकर दे रही हूँ, और जिस टाइम मैं बच्चों को देती हूँ ना, उसको हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ, जैसे गैस बंद कर दिया और तवा है हमारा, गैस बंद कर देने के बाद में जैसे हमारा तवा जो है वो हल्का गर्म होता है, तो उसके ऊपर आप किसी बाउल के अंदर डालकर इसको रख सकते हो, थोड़ा हल्का गुनगुना करके ले सकते हो। या फिर जैसे बर्नर भी थोड़ी देर के लिए गर्म होता है तो बर्नर के ऊपर रख दो बाउल को, और इस तरह से भी वो हल्का गुनगुना रहेगा। इसे हल्का गुनगुना करके अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। कोशिश करें कि जिस टाइम आपको सोना है तो उससे पहले ज़रूर लें। जैसे मैं अभी मेरी बेटी को खांसी थी तो उसी के लिए मैं ये दवाई बनाने जा रही हूँ, इससे पहले भी मैंने बनाई है, मैंने उसको 2 टाइम दिया, बहुत आराम उसको मिला है, बहुत रिलैक्स मिला है, तो दोबारा से मैं बना रही हूँ।
इसमें से मुझे एक या दो डोज उसको और देनी पड़ेंगी और उसकी खांसी एकदम ख़त्म हो जाएगी। इसे बनाकर भी आप 10 से 15 दिन तक फ्रीज से बाहर रख सकते हो। फ्रीज के अंदर रखना है तो आप एक महीना डेढ़ महीना आराम से रख सकते हैं, लेकिन कम बनाने की कोशिश करें। फ्रीज से बाहर ही रखें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी ये। तो इस तरह से 15 दिन के लिए भी आप इसको बनाकर फ्रीज से बाहर रख सकते हो। जब भी आपको बच्चे को देना है तो हल्का सा गुनगुना करके दीजिए, बिल्कुल आराम मिलेगा। कोशिश करें सोने से पहले ज़रूर दें। मैं करती हूँ कि रात को जैसे सोने जा रहा है बच्चा, उस टाइम दे दिया, बीच में मेरी आँख खुल गई तो मैंने उसको उस टाइम दे दिया हल्का गुनगुना करके, तो बहुत जल्दी खांसी ठीक हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप मेरी सभी रेसिपी को देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर दबाइए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।